दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब ताजमहल बनाया गया यानी कि 1630 से 1652 ईस्वी तक और सीमेंट का इन्वेंशन 1824 में हुआ था, तब ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया? और आजकल के बिल्डिंग्स, पुल वगैरह को बनाने में भारी मात्रा में सीमेंट का यूज होता है और 100-200 सालों तक चलता है। ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है, फिर भी ये करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कोई भी तूफान, भूकंप या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ये वैसा का वैसा ही खड़ा है। और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल को कितने रुपए में बनाया गया होगा और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया और आखिर क्यों ताजमहल में आज तक कोई भी लाइट नहीं लगाई गई? आपको आज ताजमहल के बारे में एक से एक गजब के फैक्ट्स बताएंगे। उसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहे। नए यूजर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले, ताजमहल वर्ल्ड के 7 वंडर्स की लिस्ट में से एक है और हर साल लाखों लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं। आपको ये तो पता होगा कि ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन बिना सीमेंट के ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कैसे हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पडिन द्वारा 1824 में किया गया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। इन्होंने ही दुनिया की पहली सीमेंट कंपनी बनाई। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1630 में शुरू हुआ और 1652 में इसका काम खत्म हुआ, जबकि उस टाइम तक सीमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो सीमेंट के इन्वेंशन से पहले खास तरह का पेस्ट यूज होता था, जिसमें बहुत सी चीजें होती थी। और अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत से प्रीसियस स्टोन जैसे अकीक, यमेनाइट, फिरोजा, लजवाड, मूंगा, सुलेमैनी, लासानिया, तमरा जैसे पत्थरों का यूज हुआ था, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन है। और ये उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल से आते थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज होते थे, जैसे कि तिलई, पाइजहार, अजूबा, नाखो, पूरी अर्थ के बहुत ही ज्यादा रेयर स्टोन थे या है ये पता नहीं। तो और जो पेस्ट यूज होता था ताजमहल को बनाने में, उसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी और भी बहुत सी चीजें डालकर पेस्ट बनाया जाता था, जो कि काफी मजबूत होता था। और जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की नींव सरियों पर और बड़े बड़े पत्थरों, स्टील पाइप पे रखी जाती है, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों पे रखी गई है। जी हाँ, लकड़ियों की नींव से भी ताजमहल 350 सालों से खड़ा है। दरअसल ये सिर्फ यमुना नदी के सहारे, अगर यमुना नदी सूख जाए तो ताजमहल कुछ सालों में गिर जाएगा। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती बल्कि मजबूती भी देती है। आपको बता दूं कि ताजमहल में एक खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जितना पानी पड़े वो लकड़ियां उतनी ही मजबूत होंगी, क्योंकि बाकी लकड़ियां नमी से सड़ने लगती हैं। और इसी तरह ताजमहल जो आज खड़ा है, उसमें यमुना नदी का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, आपने ताजमहल के चारों तरफ मीनार देखे होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि वो मीनार सीधे नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी तेज भूकंप आए तो चारों मीनार ताजमहल पे ना गिर के उसके अपोजिट साइड गिरे। दोस्तों, बात करते हैं आखिर ताजमहल को उस टाइम बनाने में कितने पैसे लगे थे। हम आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से उस टाइम के पैसे की वैल्यू और आज की पैसे की वैल्यू बताएंगे। ताजमहल को उस टाइम बनाने में 32 करोड़ रुपए लगे थे और वही 32 करोड़ रुपए आज के हिसाब से 8000 करोड़ से 10000 करोड़ के बीच में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल को 20000 मजदूरों ने बनाया था। अब आपको बताते हैं कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ताजमहल का व्हाइट संगमरमर। ताजमहल का व्हाइट रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और अगर ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो सफेद संगमरमर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ताजमहल भी काफी चमकेगा, जिसकी वजह से आसपास के कीड़े भी ताजमहल की ओर अट्रैक्ट होंगे और ताजमहल के पत्थरों को नुकसान हो सकता है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स ताजमहल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।